check the mic and make sure it sound right, boys. एंजल सिंह एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक अगैन. आई होप आपको पुरानी जो भी वीडियोज़ हैं और जो भी रिव्यूज़ दिए हैं अभी तक प्रोडक्ट्स के आपको अच्छे लग रहे होंगे. और काफ़ी सारी डिमांड के बाद एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चला बीच में और मुझे लगा उसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए. और वो प्रोडक्ट किसके बारे में, वो प्रोडक्ट है हेयर के बारे में. अचानक से एक यू नो एक विंड ब्लो होना स्टार्ट हुई अबाउट द अनियन ऑयल, राइट. बालों में प्याज लगाइए, बालों के ऑयल में प्याज डालिए और आपके बाल जो हैं वो हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा और बालों में ग्रोथ अच्छी होगी और बाल काले लंबे घने बनेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आपको सारी ड्रिल पता ही है, आपको सारी चीज़ें पता ही हैं. सो उस बात को दिमाग में रखते हुए, उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया विच इज़ अगेन फ्रॉम द सेम कंपनी. ये तीसरा वीडियो है, तीसरा प्रोडक्ट है फ्रॉम द सेम कंपनी विच इज़ वाओ साइंस का ये अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, राइट. ये प्रोडक्ट है, इसको आप देख सकते हैं ये किस तरह के फॉर्मेट पे है, ठीक है. ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है. अगेन इट इज़ अ 200 ml बॉटल, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये. दूसरी बात, अगेन कोल्ड प्रेस है और प्लांट बेस्ड है. 99.9% ये टोटली प्लांट बेस्ड ऑयल है. नॉन स्टिकी नॉन ग्रीजी हेयर ऑयल फॉर सिल्कियर एंड स्ट्रॉन्गर हेयर. सो दो क्लेम ये कर रहे हैं, वन इज सिल्की हेयर एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्गर हेयर. आई एम अज्यूमिंग कि हेयर फॉल में भी हेल्प करता है क्योंकि अनियन अगर डला है या अनियन का इवन ब्लैक सीड जो होता है वो भी अगर डला है तो इट यू नो हेल्प्स यू विद स्ट्रॉन्ग रूट्स. अगर स्ट्रॉन्ग रूट्स होते हैं तो बालों का झड़ना कम होता है, राइट. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. नंबर वन इज योर अनियन एंड ब्लैक सीड ऑयल विद almond. Again is your castor oil with jojoba oil and olive and coconut oil. So basically जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सब बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं. तो इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं. 200 ml की बॉटल जो है वो प्राइस वाइज 599 की है. हाँ, तो थोड़ा सा पॉकेट आपको ढीला करना पड़ेगा अगर आपको ये ऑयल यूज़ करना है तो. आप इसको लगातार यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा मान कर चलिए कि महीने में आराम से आपके 600 से लेकर 1200 रुपये आराम से जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है. मैं अभी आपको वीडियो के ड्यूरेशन के दौरान मैं आपको सारी चीज़ें बताती रहूँगी. तो भाई फिर किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, भाई फटाफट से इसको लगाना स्टार्ट करें और देखें कि बालों के अंदर कितना इफेक्टिव ये होता है और कितना वैल्यू फॉर मनी है, राइट. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड. सो आइए जानते हैं कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा क्यों है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाओ साइंस या वाओ स्किन साइंस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फेस वॉश हो, हेयर पैक हो, वो काफ़ी ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को राइट नाउ प्रमोट कर रहा है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये पर्टिकुलर ऑयल क्लेम करता है कि आपके हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होंगे, आपके बालों को स्ट्रेंथ मिलेगी, मॉइस्चराइज करेगा आपके बालों को एंड ऑल अदर क्लेम्स. सबसे पहले इसके अंदर है स्वीट आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, फिर है इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, होहोबा ऑयल, मोरक्कन आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल और अनियन सीड ऑयल जिसको कि ब्लैक सीड ऑयल भी कहा गया है. उसके बाद इसके अंदर है विटामिन ई और थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंसेस. ये जितनी सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको बता रही हूँ ये सब के सब आपके बालों की हेल्थ के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ये आपको 200 ml जो है ये पंप बॉटल में आता है और इसकी पैकेजिंग वाकई बहुत अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट. अब मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करती हूँ. ये नॉन स्टिकी नॉन ग्रीजी हेयर ऑयल है. इसकी फ्रेगनेंस जो है वो काफ़ी माइल्ड है, इट्स नॉट वेरी पोटेंट काइंड ऑफ फ्रेगनेंस और काफ़ी सिल्की और स्ट्रॉन्ग हेयर बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है. आपकी फ्रिजनेस को टेम करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, आपके बालों का जो ग्लॉसीनेस है उसको बूस्ट करता है, आपके स्कैल्प को बैलेंस करता है. इसके अंदर कोई मिनरल ऑयल नहीं है, कोई सिलिकॉन नहीं है, 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ब्लेंड है ये.
तो कोल्ड प्रेस के बारे में अगर आपको पता हो कि डेफिनेटली आपकी स्किन और बालों के लिए वो बहुत अच्छा माना जाता है, 100% हेक्सेन फ्री है और ये फास्ट अब्जॉर्बिंग ऑयल है। इतनी सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही हों तो डेफिनेटली ये ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाता है ख़रीदने के पर्पज़ से। बट हैविंग सेड दैट, ये 200 ml आपको 599 में मिल रहा है, तो ये प्राइस वाइज मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। हाउएवर अगर मैं इसकी खास बात की बात करूं तो ये ब्लैक सीड, अनियन ब्लैक सीड की वजह से ये अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट होता है। तो ब्लैक सीड क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। मुझे नहीं पता आपको पता है ब्लैक सीड के बारे में या नहीं, मुझे नहीं पता था तो आई हैव गूगल्ड दिस टर्म। एंड जब मैंने इसको गूगल किया तो गूगल करने के बाद मुझे पता चला कि ये एक तरह के सीड्स होते हैं जो अनियन प्लांट के स्टेम की तरफ से निकाले जाते हैं, और उसके साथ साथ इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है। किसी भी तरह का अगर आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा काम आता है, और ये प्री मेच्योरिंग ग्रे हेयर को भी ये कम करता है, डैंड्रफ को कम करता है, बालों के पतलेपन को यानी थिनिंग ऑफ हेयर को भी कम करता है, और दूसरी और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये हेल्प आउट करता है। नाउ यहाँ मैंने बहुत ही स्केप्टिकल होके ये फुल 1 week तक डेली बेसिस पे लगाया है, एंड यू कैन नॉट बिलीव, मतलब मैं ये बात अभी बोल रही हूँ तो अब मुझे ये बात खुशी हो रही है बताते वक्त कि मेरे जितने बाल झड़ रहे थे जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर दोनों तरफ से वाइड कोम जब मैंने किया तब मेरे बालों का क्या हाल था, और जब मैंने दूसरी साइड से कोम किया तब क्या हाल था, और एक हफ्ते के बाद, सिर्फ एक हफ्ते के बाद लगातार से मेरे बालों का झड़ना एब्सोल्युटली ना के बराबर हो गया था। वो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना इफेक्टिव ऑयल कैसे हो सकता है, क्योंकि आप ये सुनते बहुत हो लेकिन इतना आपके बालों पे ये असर करेगा ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। एंड आई एम सुपर अमेज्ड विद द रिजल्ट ऑफ दिस ऑयल, आई एम सुपर डुपर हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ द ऑयल। मैंने इसीलिए आपको दोनों तरफ दिखाया है कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या रहा। रिजल्ट वाइज येस, ऑयल इज सुपर अमेजिंग, गो फॉर इट, आंख बंद करके आप खरीद दीजिए, प्रोवाइडेड आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो। अदरवाइज बाकी सारी चीजें अगर देखी जाए तो इसके अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिव बात मुझे लगी नहीं कि जो मैं आपको कहूं कि ये चीज नहीं होती है, इससे ज्यादा हम और अच्छा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इसके रिजल्ट आए हैं, जिस हिसाब से पैकेजिंग है, जिस हिसाब से ओवरऑल जो ऑयल का फ्रेग्रेंस है, सब चीजें मिला के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो ऑयल है अगर आप सिर्फ पॉकेट को साइड रख के, अगर पॉकेट फ्रेंडली की बात ना करके अगर हम वैसे बात करें तो 5 में से ये डेफिनेटली 4.8 का हकदार है ही है। मैं प्राइस को छोड़कर बाकी इसके किसी भी अदर पैरामीटर को मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगी, इट्स सुपर डुपर अमेजिंग। प्रोडक्ट का डेमो आपने देख लिया, प्रोडक्ट की पैकेजिंग आपने देख ली, प्रोडक्ट का प्राइस भी मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट के फीचर्स बता दिए, और प्रोडक्ट का लाइव रिजल्ट भी 7 days के बाद क्या रहा मैंने वो भी बता दिया। सो बेसिकली ये आप लगाना चाहें तो ज़रूर लगा सकते हैं, यूज़ करना चाहें तो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि यही सेम ऑयल अगर हम 600 rupees खर्चा कर ही रहे हैं तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई इसके अंदर, वन इज़ योर अनियन एंड ब्लैक सीड, ये तो हम मार्केट से वैसे ही लेकर आ सकते हैं। इसके अंदर आलमंड है, आलमंड ऑयल भी आपको बाहर से मिल जाता है। देन यू हैव कैस्टर, जो कि मैं कैस्टर का अगर मैं सिर्फ वाओ साइंस का ही कैस्टर ऑयल अगर डालना चाहूँ तो मैं वो डाल सकती हूँ अपने घर के होम मेड ऑयल में। एंड लास्ट वन जो अदर ऑयल्स हैं इसके वो है होहोबा ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। ये 599 में ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके अंडर वन रूफ अपने घर में अपने हाथों से ऑयल बना सकती हूँ, और आई एम प्रिटी मच श्योर कि वो जो ऑयल बनेगा वो 200 ml से ज़्यादा बनेगा। सो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, ये मैं कहूँगी कि वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं लगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई ऐसी नहीं है कि आपके बहुत ही एग्जॉटिक आपने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं या बहुत ही रेयर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो आप मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। जो इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं वो मार्केट में इजीली आराम से मिल जाते हैं, और जब चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा इन चीज़ों को कंपाइल करके एक साथ एक पर्टिकुलर ऑयल में कन्वर्ट करने के लिए। तो व्हाई टू वेस्ट दैट मच ऑफ मनी।
राइट. सो मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा. टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग, टॉकिंग अबाउट द शेल लाइफ, टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, यस इन दैट वे यस. अगर आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि नहीं आप ऑयल बना नहीं सकते हैं, तब आप इसको यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं. मेरे लिए रिकमेंडेड है रिजल्ट वाइज, यस फॉर श्योर. आपके आपको मैं कहूँगी यस आप यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट वाइज, बट इतना पैसा खर्चा क्यों करना है भाई. 599 में तो आप आराम से इसको दो महीने तक, जो घर में ऑयल बनाएंगे सारी चीज़ें डाल के, वो दो महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं. तो आप नाना करते करते भी कुछ भी नहीं है तो 1800 वहाँ अपना बचा रहे हैं दो महीने का खर्चा, राइट. तो मुझे लगता है कि वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है ये. और या दैट इज़ माई ऑनेस्ट रिव्यू एंड That is my honest opinion about it. I hope you like this video, and if you did, bhai, to do not forget to give it a big fat thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel. I'll be meeting you very, very soon in the next video. Until then, please do take care of yourself, and don't forget, you are beautiful. Stay beautiful and be beautiful. God bless you. Bye.